झांसी में कोरोना के कारण स्थगित कांवड़ यात्रा का फिर से होगा शुभारंभ। बुंदेलखंड में कांवड़ यात्रा समिति संयोजक हेमंत परियान ने बताया कि 2 साल से कोरोना महामारी के कारण कांवड़ यात्रा स्थगित करनी पड़ी थी, लेकिन इस साल हमेशा की तरह कांवड़ यात्रा का आरंभ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जल्द ही समितियों द्वारा बैठक कर कांवड़ यात्रा का आयोजन प्रारूप तैयार किया जाएगा और जल्द ही यात्रा में कांवड़ियों के रजिस्ट्रेशन चालू होंगे। हेमंत परिहार, बुंदेलखंड कांवड़ यात्रा समिति संयोजक। भाई, 2 साल बाद कांवड़ यात्रा का आयोजन करने जा रहे हैं। कोरोना काल की वजह से सौभाग्य नहीं हो पाए इतना। इस बार 2 साल बाद जो अपना हो रहा है, तो उसमें जो है कितना क्या उत्साह है अपने अंदर मनाया जा रहा है और आप लोग कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं, तो क्या कोई गाइडलाइन? मैं आपको बताऊँ कि अभी पिछले कुछ दिनों से 10-5 दिनों से लगातार लोगों के जिस प्रकार से कॉल आ रहे हैं और जिस प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से हम समिति के लोगों को पूछा जा रहा है, और अभी एक हमने तैयारी बैठक रखी है इसकी, और उस बैठक में शामिल होने के भी लिए लोग उत्साहित हैं, तो उनका उत्साह देख के ऐसा लग रहा है निश्चित रूप से इस बार कांवड़ यात्रा हमारी पिछली जो भी वर्ष निकली बहुत भव्य निकली यात्राएँ, और इस बार हमें लगता है हजारों की संख्या में बहुत बड़े रूप से कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी। तो क्या अभी प्रशासन की तरफ से कोई गाइडलाइन या आपने कोई गाइडलाइन रखी हो कोरोना काल का, वैसे ही थोड़ा बहुत अभी चल रहा है? जो भी प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन होगी समिति हमारी उसका पालन करेगी। कितने लोग इसमें करेंगे? अब हम लोगों का एक रजिस्ट्रेशन अभी बैठक होगी, तैयारी बैठक, उसके बाद रजिस्ट्रेशन चालू होंगे, प्रारंभ होंगे, तो कई बैठकों हैं, जगह छोटी बड़ी बैठकें करके ऐसे रजिस्ट्रेशन होते हैं। तो जैसे पिछले समय हम लोगों के जो कांवड़िए आए थे उनके 3600 रजिस्ट्रेशन हुए थे, और ऐसे महिलाएँ आई थी लगभग 5100-5200, और बाद में जाके वो बहुत बड़ी संख्या आ गई थी रजिस्ट्रेशन के बाद भी। तो हमें लगता है कि संख्या, तो जितने रजिस्ट्रेशन हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हों, लेकिन हमें लगता है जितना भी हम लोग सोचते हैं संख्या, और उससे कई गुना ज़्यादा संख्या पहुंचती है, क्योंकि ऐसा उत्साह झांसी के लोगों में, कांवड़ यात्रा के लिए लोगों में एक उमंग, एक चर्चा होती है आम जनमानस में कि यात्रा कब निकलेगी, कैसे निकलेगी, क्या स्वरूप रहेगा, तो लोगों में काफ़ी उत्साह है और हमें लगता है बहुत बड़ी कांवड़ यात्रा निकलेगी। कांवड़ यात्रा कहाँ से शुरू होकर कहाँ पर समाप्त होती है? कांवड़ यात्रा हमारी सिद्धेश्वर मंदिर झांसी से प्रारंभ होकर, पहले तो हम लोग ओरछा जाते हैं और ओरछा जाके वहाँ से जलाभिषेक लेते हैं, वहाँ उन कांवड़ियों कांवड़ की सबकी पूजा होती है, फिर पूरे रास्ते जगह जगह पर, कई जगह पर कई समितियों संस्थाओं द्वारा व्यक्तिगत कई जगह पर स्वागत होता है, और हम लोग ओरछा से लेकर ओरछा तगेला भगवंतपुरा और होते हुए बस स्टैंड और ये जेल चौराहे कचहरी चौराहे होते हुए इलाइट से लेके पीकेडी होते हुए